ना जंगल के बीच में हम लोग सफर कर रहे हैं, तेज बारिश शुरू, स्विच गेट का एक व्यवस्था करना चाहिए। ओ हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज आयज खान एंड वाचिंग माय चैनल डिजन ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, देख सकते हैं फिलहाल मैं हूं बिस्तर पे और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8:10। तो गाइस अभी मेरा आँख खुला है। सो गाइस, आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आपको भाई जाने वाला है ऐसे प्लेस में, तो वीडियो जरूर देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ से लगभग जो बंधन है नुनाई बंधन और 1 आवर्स लग जाएगा। सो आज फिलहाल हम पहुंच गए 2 नंबर सतगुरु और इधर होगा जोड़ा पुखड़ी, देख सकते हैं ये जोड़ा पुखड़ी जाने का रोड। फाइनली पहुंच गए हम लोग जोड़ा पुखड़ी चौक, देख सकते हैं ये जोड़ा पुखड़ी चौक। सो गाइस, जैसे कि देख पा रहे हैं अभी फिलहाल हम लोग के इस रोड पे तो बाइक को भी खड़ा कर दिया है, तो मीन्स कंडीशन ये हो गया ना कि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो उसका रोड जो है काफ़ी ख़राब है, तो बाइक लेके जा नहीं पाएगा। सो हम लोग सोच रहे हैं कि बाइक को किसी घर पे छोड़ दूंगा, मीन्स स्टेक मीन्स रख दूंगा, उसके बाद यहाँ से वाकबल ही चले जाऊँगा। तो वाकबल जाऊँगा तो लगभग यहाँ से आधा घंटा लग जाएगा, तो चलिए देखते हैं ट्राई करके चल पाता हूँ कि नहीं इतना दूर तक। तो बाइक को फिलहाल हम लोग इसी घर पर रख देते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं जो मौसम है काफ़ी ख़राब हो रहा है यहाँ का। सो गाइस, फिलहाल हम लोग जर्नी कर ली, हम लोग स्टार्ट। यहाँ का लोकेशन काफी खूबसूरत है और सीनरी भी काफी खूबसूरत है। ये देख सकते हैं, ये है कुलसी रिवर जो कि यहाँ पे काफी छोटा है, और जितने ही ये डाउन मिस नीचे जाते रहेगा ये नदी उतना ही बड़ा होता रहेगा। जो मौसम है काफी खूबसूरत मौसम है। मिला है तो उनसे पूछते हैं कि रास्ता किधर पे है, तो भाई रास्ता किधर पे बता सकते हैं जो बंधन का। सो गाइस, बताया भाई ने कि रास्ता इधर पे है, तो अभी हम लोग जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, देख सक रहे हैं यहाँ का जो वाटर है काफी तेज है और मुझे भी ये हिला दे रहा है, तो काफी संभाल के चलना पड़ रहा है। बारिश तो थोड़ा अभी स्टार्ट हो ही गया है, और ये पेड़ जो दिख रहा है गाइस, और आगे जो एक पेड़ दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा पेड़, तो जब बाढ़ आता है ना गाइस, तो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ को देखिए जड़ से फिर उखाड़ के ये अपने साथ लेके आता है। सो गाइस, देख सकते हैं कितने घना जंगल के बीच में हम लोग सफर कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और एक हिसाब में एडवेंचर का जो फील होता है वो हम लोग को आ रहा है थोड़ा बहुत। और 10 मिनट के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं अपना लोकेशन जो है, तो देख सकते हैं पहुँचने के आगे जो एंट्रेंस है क्या खूबसूरत एंट्रेंस है, देख सकते हैं जो पहाड़ है। सो गाइस, फाइनली काफ़ी देर के बाद हम लोग अपना लोकेशन जो है पहुँच गया है, देख सकते हैं वो है लोकेशन। सडनली मेरा फ्रेंड को मुझे मिल गया, देख सकता है वो है गोविंद भाई, और हाय बोलो ना भैया। सो भैया, वेलकम टू नुनाई। सो गाइस, आप अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कितना बाइसाइकिल और आपका जो स्कूटी बाइक वगैरह आए हैं, तो लगभग मीन्स 200-300 किसान आए हैं आज। सो गाइस, जैसे ही बंधन पहुँचे तो बारिश भी स्टार्ट हो गया है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा और दिखाऊँगा, देख सकते हैं कितना सारा किसान आए हैं और वो जेसीबी भी लगा हुआ है काम में। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया नुनाई बंधन, देख सकते हैं चारों तरफ कितना भीड़ भड़ा का लोग,
सारा किसान जो अपने काम पे बिजी है और काम को भी स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मैं अधिक जाकर आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। गाइस अभी मैं थोड़ा आप लोगों को डिटेल्स में चीज़ समझा दूँगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और किस विशेष में आया हूँ, तो सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है नूनाई नदी, देख सकते हैं। तो जो इसका वाटर है ना गाइस, तो हम लोग थोड़ा डिवाइड कर रहे हैं वाटर को, तो एक वाटर जा रहा है इस साइड से फ्लो होके और हम लोग इसमें बैरिकेड कर देंगे, तो ये जाएगा इस साइड होके, मीन्स ये हमारे गांव तरफ जाएगा ये वाटर, जो कि हमारे जो किसान हैं हमारे गांव के उन लोगों के लिए फार्मिंग करने के लिए इजी हो जाएगा। तो देख सकते हो वो भैया है बैरिकेड कर रहे हैं उधर पे, और जेसीबी भी लगा हुआ है अपना काम पे, तो मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। तो गाइस आज नूनाई बंधन आके काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो रहा है यहाँ पे आके। अभी थोड़ा किसानों से भी हालचाल पूछते हैं कि यहाँ का हालचाल कैसा है क्या नहीं, तो देख सकते हैं मैं पीछे एक भैया, तो मैं इसी से पहला क्वेश्चन पूछूंगा और जो यहाँ का समस्या है और क्या क्या दिक्कतें होते हैं यहाँ पे, तो सब कुछ पूछूंगा। क्या आपका नाम? विकास है। तो भैया आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो आप आए हैं किस मुद्दे से आए हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग अभी फिलहाल आया है पानी लेने के लिए खेत में। तो आप लोग क्या क्या समस्या होता है बताइए। ऐसा हो गया नदी, अभी हम लोग पानी लेने आता है हर साल, लेकिन पानी लेने के आने से भी तो हम लोग का डर है, अगर ज़्यादा पानी घुस गया तो हम लोग का ये नदी जाके हम लोग का खेत ले जाएगा, घर बाड़ी ले जाएगा। हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से, अगर हो सके तो इसमें स्विच गेट का एक व्यवस्था करना चाहिए, और हमारा जो मेन समस्या है वही है, हम लोग का यहाँ स्विच गेट एक टू चाहिए। अभी टाइम बच गया एक, तो गाइस थोड़ा भूख भी लगा है, तो थोड़े से पहले पेट पूजा कर लेते हैं। उससे मोहल्ला में खाना खाने का भी मिस एक इंजॉयमेंट अलग ही लेवल का होता है गाइस। फिश फ्राई और इसमें भी टमाटर चटनी और इसमें भी फिश। फाइनली खाना पीना हम लोग का हो गया है। तो गाइस आज जो किसान भाई है, किसान भाई हमारे इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो हमारे यहाँ के किसान है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेसिंग कर रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम फेसिंग हो गया आपका वाटर, क्योंकि वाटर समय पर ना आने की वजह से जो हमारे किसान भाई का फसल है वो काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हो गया बारिश शुरू, अभी तेज़ बारिश हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ के किसान भाई को कितना मेहनत कर रहा है, बस अपनी रोजी रोटी के लिए ही इतना सारा मेहनत कर रहा है। सो गाइस मैं आज इस वीडियो में एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर से जितना भी हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आप लोग एक शेयर करते हो तो किसानों का एक जो दिक्कत है वो चेंज कर सकता है। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर लगभग हो गया काम ख़त्म, तो जो बैरिकेड करना था हम लोग को बैरिकेड कर दिए हम लोग। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपका भाई मज़ेदार कंटेंट आपके पास लाता रहेगा। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।